बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा अंडा बिरयानी हमने कढ़ाई में बनाकर रेडी किया है और आप देख सकते हैं जो हमारी बिरयानी के चावल है कितने खिले खिले से बने हैं और एक भी चावल एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं चिपका है। एकदम परफेक्ट रेसिपी है। रेस्टोरेंट में जैसे कि हम दम अंडा बिरयानी खाते हैं ना, सेम वैसा ही हमने बनाकर घर पे इस बिरयानी को रेडी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन में। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है बासमती राइस, लॉन्ग राइस जो आता है आप वो यूज कीजिएगा, उससे जो बिरयानी है एकदम बढ़िया बनती है। चावल को हम 2 से 3 पानी बढ़िया से धो लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल को मैंने 2 से 3 पानी बढ़िया तरीके से धोकर रेडी कर लिया है। और अब इस चावल को साइड में रखते हैं और कढ़ाई में मैंने पानी रख दिया था, चावल से बिल्कुल डबल पानी रखा था मैंने और पानी बढ़िया से पानी में उबाल आ चुका है। तो अब इस पानी में हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे हमारे चावल को। आपको चावल को धो करके 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बिल्कुल भी रेस्ट करने देने की जरूरत नहीं है। फटाफट से हम इसे पानी में डाल देंगे और नमक डाल देंगे लगभग आधा चम्मच और इसे बढ़िया तरीके से चला देंगे। और अब जो है इसे ढक करके हम बढ़िया से पकने देते हैं। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मध्यम आंच पे, चावल को बढ़िया से पकने देंगे। तो वो वाले गैस पे, मतलब कि दूसरे साइड वाले गैस पे हमने रख दिया है चावल को और इस वाले गैस पे तेल रखा है क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने ब्राउन ऑनियन रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिसे बिल्कुल पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लिया है और हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही प्याज डाला मैंने तो बबल बहुत सारा आ रहा है ना, तो इसी तरीके से हम जो प्याज है उसे डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। जब हाई फ्लेम पे ये जब प्याज भूनते हैं ना, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। अगर स्लो फ्लेम रखेंगे तो ये प्याज बहुत सारा तेल पी लेंगे और उतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे, तो खाने में मजा नहीं आएगा। और जब भी हम चिकन बिरयानी या अंडा बिरयानी बनाते हैं, कोई भी बिरयानी बनाए, तो ये जो ब्राउन ऑनियन होता है इसका बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस रेसिपी के लिए, बिरयानी के लिए स्पेशली। तो आप देख सकते हैं प्याज में का झाग बिल्कुल कम हो गया और हल्का हल्का जो हमारा प्याज है क्रिस्पी भी दिख रहा होगा ना, बिल्कुल एक एक लच्छे बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। लेकिन अभी ये बनकर रेडी नहीं हुआ है, बढ़िया से ब्राउन कलर आ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं जलाइएगा, अगर इससे ज्यादा जल जाएगा तो इसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। परफेक्ट है, इतना ही हमें इसे फ्राई करना था और इसे हम निकाल लेंगे। निकालते समय कुछ सेकंड के लिए हम रखेंगे कढ़ाई के ऊपर ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा तेल है, वो अच्छे से निकल जाए। तो बस इसी तरीके से जो दूसरा बैच है यानी कि और भी जो प्याज है उसे हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसे बढ़िया से ब्राउन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये भी प्याज आप देख सकते हैं बढ़िया सा ब्राउन हो गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो ब्राउन ऑनियन है वो बनकर रेडी हो गया और जब तक हमने ऑनियन फ्राई किया तब तक हमारे चावल भी अच्छे से पक चुके। तो गैस को बंद कर दिया है और चावल को हमें 90% कुक करना है, मतलब कि 90% चावल हमें पका लेना है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया चावल हमारे पक कर रेडी हुए हैं और बिल्कुल दबा रही हूँ तो थोड़ा मतलब ऐसा टाइट लग रहा है, बिल्कुल ऐसा पक नहीं गया है। और इसे हम फटाफट से एक बड़े थाली में ट्रांसफर कर लेंगे यानी कि डाल देंगे। अगर आपके घर पे छोटी थाली हो तो आप 2 से 3 थाली में इसे थोड़ा थोड़ा चावल को फैला दीजिए और स्पैचुला की मदद से इसे बढ़िया तरीके से हम फैला देंगे। तो ये देखिए, इसे अब हम रख देते हैं साइड में। आप फैन की हवा में रख दें या ऐसी किचन प्लेटफॉर्म पे आप रख दीजिए। और यहाँ पर हमने 6 उबले हुए अंडे ले लिए हैं और अंडे को हम इस तरीके से चाकू से कर देंगे ताकि इसमें मसाले जो है अंदर तक जाए। और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे लगभग आधी छोटी चम्मच और अच्छे से कोटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे पे बढ़िया से मसालों की कोटिंग हो गई है और अब फटाफट से इसे हम फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, कढ़ाई में हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तेल को बढ़िया से गर्म हो जाने देंगे। अब गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे अंडे को। अंडे को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है यानी कि ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसे हम फ्राई कर लेंगे बस कुछ मिनटों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे को मैं पलटते हुए थोड़ा सा फ्राई कर ली हूँ। इससे ज्यादा हमें अंडे को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर का जो सेल होता है इसका वो ब्राउन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगता है बिरयानी में स्पेशली, अच्छा नहीं लगता है। बस हल्का सा हमें अंडे को फ्राई कर लेना है। तो ये हमने अंडे को फ्राई कर लिया, इसे साइड में रखते हैं। सेम कढ़ाई में 1 चम्मच और घी डालूंगी। घी से वो जो मतलब बिरयानी है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है, साथ ही में इसके अंदर हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता। अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, 3 लवंग, 1 इंच इलायची का टुकड़ा, एक हरी इलायची और एक बड़ी इलायची,
जितना भी मतलब आपके घर पे गरम मसाला हो ना, खड़ा गरम मसाला, आप उसको डाल दीजिए बिरयानी में। तो ये सारे चीजों को हम अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे। और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। 4 बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसे मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप में कट कर लिया है, स्लाइसेस में आपको कट कर लेना है। और इसे बढ़िया तरीके से सॉफ्ट होने देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जब आप प्याज ऐड करेंगे ना तेल में, उसी समय आपको अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें डाल देना है। और अच्छे तरीके से अब इसे हम चला देंगे और 1.5 से 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मध्यम रखते हुए, यानी कि मीडियम फ्लेम पे इसे हम बढ़िया से सॉफ्ट होने देते हैं। हल्का सा पिंकिश कलर आने देंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बढ़िया से भून चुका है। एक बार इसे हम बढ़िया से चला लेते हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ये काली मिर्च का पाउडर है। साथ ही में इसके अंदर 1 छोटा चम्मच डालेंगे हम जीरा पाउडर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बिरयानी मसाला। तो यहां पर मैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। और अब इन सारे मसालों को बढ़िया तरीके से हम पकने देते हैं गैस का फ्लेम। जब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे तो बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल धीमे फ्लेम पे इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो लगभग 1.5 मिनट हो गया है, बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर और नमक भी डाल दी हूँ। आप तेज पत्ता के ऊपर देख सकते हैं नमक। जब मैं टमाटर और नमक इसमें डाल रही थी तो मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था, मेरे ध्यान में नहीं आया था, तो सॉरी उसके लिए। जब आपका प्याज और मसाले अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद हमें टमाटर और स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालते समय एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमने चावल जब पकने के लिए रखा था तो उसमें भी नमक था। तो आप देख सकते हैं कि जो टमाटर है अच्छे तरीके से गल चुके हैं, ऑयल जो है इसका बढ़िया सा सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे मसाला हमारा रेडी है। अब गैस का फ्लेम धीमा ही रहने देना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसके अंदर डालेंगे दही। 2 चम्मच दही, बिल्कुल ताजी वाली आप यूज कीजिएगा तो बिरयानी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। खट्टा दही बहुत ज्यादा यूज मत कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाला है। और अच्छे तरीके से इसे हम पकने देते हैं 1 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने दही ऐड किया वैसे ही मसालों का जो कलर है वो भी बिल्कुल चेंज हो गया और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो ये हमारा मसाला जो है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने जो चावलों को पका करके रखा है अब इसके ऊपर हम वो डाल देंगे और गैस अब हम जो है बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चावल, पहला लेयर मसाला, उसके बाद हमने चावल डाल दिया है। चावल को अच्छे तरीके से फैला लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे बिरयानी मसाला। इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। अगर बिरयानी मसाला नहीं है तो आप कोई भी गरम मसाले का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो फ्राई करके ऑनियन रखा है, ब्राउन ऑनियन, उसे डाल देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अंडा को, जिसे कि हमने फ्राई करके रखा है। तो यहाँ पर हमने अंडे को भी लगा दिया और ये रहा केसर वाटर। केसर के कुछ धागे मैंने पानी में डाल करके रख दिया था तो बहुत ही प्यारा कलर आएगा। अगर आपके पास केसर वाटर नहीं है तो आप येलो फूड कलर यूज कर सकते हैं या थोड़े से हल्दी को थोड़े से पानी में मिला लीजिए, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ ऑरेंज फूड कलर, जिसे मैंने पानी में डालकर मिला लिया है, तो वो थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ। इससे जो मतलब जैसे कि हम बाहर खाते हैं ना बिरयानी, वैसा वाला फीलिंग आएगा, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगेगा। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चावल। मैं धनिया का जो पत्ता है वो डालना भूल गई थी। अगर आपके घर पे पुदीने का पत्ता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, धनिया पत्ते का यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा लेयर था उस पर भी हमने बढ़िया से चावल फैला लिया और इसके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे केसर वाला पानी, उसके बाद ऑरेंज फूड कलर वाला जो पानी है उसे डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे ऊपर से और अब इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। और अब जो है इसके बाद हम डालेंगे हमारे जो फ्राइड ब्राउन ऑनियन है उसे, और अब इसके बाद सबसे लास्ट में हम डालेंगे अंडा, क्योंकि ये तो है अंडा बिरयानी। तो अंडा इस डाल दिया बढ़िया तरीके से और अब इसे ढक देंगे और इसको अब हमें देना है दम। तो वो कैसे देंगे तो चलिए उस बताती हूँ मैं। अब जो ये दिख रहा है वहां पे मैंने कागज लगा दिया ताकि जो भी दम आए वो बिल्कुल कढ़ाई के अंदर रहे। और गैस स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे तवा, लोहे वाला जो मोटा तवा होता है ना आप उसका यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रिजल्ट आएगा।
अब गैस का फ्लेम बिल्कुल अब धीमा रखना है, हमें बिल्कुल स्लो कर दिया है, कढ़ाई तवे के ऊपर रख दी है और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दम आने देते हैं ताकि मतलब बिल्कुल बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला हमारा बिरयानी बनकर रेडी हो जाए। तो 10 मिनट हो गया और हमने जो लीड है वो हटा लिया है। वाव, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। तो चलिए फटाफट से इसे हम निकाल लेते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म बिरयानी को प्लेट में परोसते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत जबरदस्त की खुशबू आ रही है बिरयानी में से। और ये देखिए हमारा जो दम बिरयानी है कितना बढ़िया, कितना खिला खिला, बिल्कुल चावल एक दूसरे में नहीं चिपके हुए हैं, परफेक्ट कुक हुआ है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा पक गया, चिपचिपा हो गया, बिल्कुल भी नहीं। और ये देखिए, बिल्कुल मैं जूम करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो आप इस अंडा बिरयानी को अपने घर पर ट्राई कीजिए, कैसा बना था तो फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आएगी रेसिपी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।